स्टार्ट करते हैं 9 क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 नंबर सिस्टम। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी जो लास्ट वीडियो में मैंने कराई थी। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड एक्सरसाइज। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इज दैट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। इरेशनल के बारे में बता चुका हूँ आपको, जो पी ओ पॉइंट क्योंकि फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। लेकिन जो एक नया वर्ड आया यहाँ पे रियल नंबर, तो रियल नंबर के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे नोट किया है रियल नंबर एंड सेकेंड लिखा है इमेजरी नंबर। तो दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। तो देखिएगा रियल नंबर मीन्स कौन सा नंबर। रियल नंबर मीन्स वो सारे नंबर जो आपके मन में आ रहे हैं, मीन्स आपके इवन नंबर हो गए, ऑड नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, प्राइम नंबर हो गए, डेसिमल नंबर हो गए, टर्मिनेटिंग हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग हो गए, जितने भी आपके मन में नंबर्स आ रहे हैं सारे सारे रियल नंबर्स हो गए। अब आते हैं इमेजरी नंबर क्या होता है। इमेजरी नंबर मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द 4। एग्जाम्पल एक ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पूछूँ आपसे फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द 4 तो आप क्या बोलेंगे। आप बोलेंगे सर स्क्वायर रूट ऑफ द 4 मीन्स मुझे ऐसा नंबर बताना है जिसके स्क्वायर करने से 4 आया है। तो वो नंबर हो जाएगा प्लस माइनस 2, यानी प्लस के 2 से ही 4 आ सकता है, नेगेटिव 2 का स्क्वायर है तब भी 4 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे स्क्वायर रूट ऑफ द नेगेटिव 4, आखिर किस नंबर के स्क्वायर करने से नेगेटिव 4 आया होगा, तो आपका आंसर होगा नो, कि कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसके स्क्वायर करने से नेगेटिव 4 आ जाए, क्योंकि जिस नंबर के स्क्वायर करते हैं सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यानी कि ये जो नंबर आपका होगा कैसा होगा, इमेजरी नंबर होगा, मीन्स ये आपका रियल नंबर नहीं है, ये बस आ गया है लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसको बोलते हैं इमेजरी नंबर, मीन्स वो नंबर जो स्क्वायर रूट में नेगेटिव टर्म्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, वो सारे आपके इमेजरी नंबर होते हैं। तो ठीक है, अब आते हैं मेन हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। जो फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो बिल्कुल सही है, हमारा हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर मीन्स वो नंबर जो प्योर पॉइंट क्योंकि फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल डेसिमल नंबर में मैंने ये लिख दिया है जिसका कोई भी एक परफेक्ट ऑर्डर नहीं है, मीन्स हमारे यहाँ पे रिकरिंग नंबर नहीं है, रिपीटेड नंबर नहीं आ रहे डेसिमल के बाद डिजिट, तो ये आपका इरेशनल नंबर है। लेकिन इसको प्योर पॉइंट क्योंकि फॉर्म में नहीं ले सकते लेकिन होगा रियल। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये भी रियल नंबर होगा, मीन्स पॉसिबल है, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीन्स किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर करने से ये हमारा रूट 2 है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी जो वैल्यू होती है 1.414 डैट डैट डैश जाती रहती है, मीन्स रियल नंबर में काउंट हो जाएगा। यानी फर्स्ट इज ए राइट आंसर इज ए यस, एंड द सेकेंड पार्ट फर्स्ट इज यस एंड द सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट बात है, तो सेकेंड पार्ट यहाँ पे गिवेन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ द एम, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो बता रहे कि नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट द एम रिप्रेजेंट हो सकता है। तो इसके लिए मैं एक नंबर लाइन यहाँ बना लेता हूँ। तो नंबर मैन लाइन ये बना लिए, 0 है, नेगेटिव 1 है, नेगेटिव 2 है, नेगेटिव 3 है, 1 है, 2 है, 4 है, साथ 5 है। ठीक है, नंबर लाइन मैंने बना लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द एम। जो देखते हैं, तो यानी कि 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 के आंसर से 1 आ जाएगा, स्क्वायर मतलब ये 2 किसके रूट से आ जाएगा, 4 से आ जाएगा, 4 16 से आ जाएगा, 5 25 का स्क्वायर रूट से आ जाएगा। ठीक, लेकिन आप बता सकते हैं 0 किससे, ठीक है 0 से आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव 1 किसकी स्क्वायर रूट से आएगा, बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट टेक करें और नेगेटिव 1 आ जाए, मीन्स इसके इक्वल कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट टेक करें और निगेटिव 1 आ जाए, ना ही इसके इक्वल कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट टेक करें और निगेटिव 2 आ जाए, मीन्स ये आंसर आपका कैसा होगा, फॉल्स होगा, यानी कि फॉल्स, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पे बोला गया है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो बता दें ये है कि एवरी रियल नंबर हमारा इरेशनल होगा, तो इसका भी आंसर नो लिखेंगे, क्योंकि हमारे रियल नंबर हर एक नंबर इरेशनल नहीं होते हैं, काफ़ी नंबर आपके कैसे होते हैं प्योर पॉइंट क्यू फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा पा रहा हूँ 0.2, 2/3, इस तरह से काफ़ी नंबर लिखे, 2 लिखे, ये सारे कैसे हैं, रियल नंबर हैं, तो ये हमारे इरेशनल नहीं है, ये सारे नहीं, कुछ हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 3 रियल नंबर है, लेकिन ये इरेशनल है, एवरी रियल नंबर नॉट ए इरेशनल नंबर, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज ए इरेशनल नंबर, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट द नंबर दैट इट इज ए इरेशनल नंबर। तो यहाँ मुझे दाना है कि जितने भी नंबर्स हैं सबका अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगा सारे इरेशनल होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ द 1 निकाला तो कितना आएगा 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकाला तो चलिए ठीक है मान लेते हैं ये आपका इरेशनल होगा, लेकिन ये इरेशनल होगा। 3 का निकालते हैं, ये भी आपका कैसा होगा, इरेशनल होगा, ये भी इरेशनल, ये इरेशनल हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने जो है स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकाला तो कितना होगा, 2 होगा, जो कैसा होगा, रेशनल होगा। तो यानी ये तो क्लियर हो गया कि यानी कि सब हमारे रियल नंबर ऐसे नहीं होते हैं या नेचुरल नंबर नहीं होते, इनका हम स्क्वायर रूट निकालें वो हमारे पास इरेशनल आ जाए, कुछ हमारे रेशनल आएंगे, कुछ आपके इरेशनल आएंगे, और ये भी इरेशनल, ये रेशनल आ जाता है। तो यानी ये भी हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, और एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो ये हमारा क्या होगा, नो होगा। ठीक है, पूछा गया था क्या आप कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, नो, सब नंबर आर रेशनल नंबर। ठीक, ओके, तो क्या लिखेंगे, सम स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर इज रेशनल। ओके, तो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं यहां पे, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट स्क्वायर रूट ऑफ द 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो मुझे यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना है, किस पे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर रूट ऑफ द 5। तो इसका रूट ऑफ 5 से पहले हम लोग जो सीखेंगे थोड़े शॉर्ट, थोड़े छोटे क्वेश्चन में, इस स्क्वायर रूट ऑफ द 3 या 2, चलिए 2 देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले आते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो उसके लिए ठीक है ऑन नंबर लाइन, फर्स्ट टाइम में सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो आखिर कैसे इसको स्क्वायर रूट ऑफ द 2 को नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले एक आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, अगर आप इंचेस में ड्रॉ करें तो सबसे बेस्ट रहेगा, तो ठीक, तो इंचेस में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो सपोज कर लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो आप इसको स्क्वायर सोचिए कितना है, स्क्वायर सोचिए, स्क्वायर बोला मैंने 4, तो यानी कि आप इसका जो है 2 से कम ले लीजिए, बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो हमारे पास 2 मैंने इंचेस की ड्रॉ कर ली, कितने इंचेस की, 2 इंचेस की, ये आपका फर्स्ट इंच, ये आपका सेकंड इंच एंड थर्ड, या थिंक जितनी ले चले सकते हैं कोई बोरिंग है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट हो चुके हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मेन आपका कॉन्सेप्ट 1 इंच पे चलेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक पेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए एट द 1 वैल्यू पे, पेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्लियर, 90 डिग्री मैं कैसे बनाया, पहले सेमी सर्कल बनाया, फिर मेरे एक आर्क यहाँ से लगाया, एक आर्क यहाँ से लगाया, लेकिन रेडियस मैंने थोड़ी चेंज कर ली थी, ज़्यादा कर ली थी, ताकि मीन्स रेडियस कितनी ली, हाफ से ज़्यादा या हाफ के बराबर, वो है फुल से ज़्यादा या फुल से थोड़ी कम ले सकते थे, मैंने यहाँ पे आर्क लगाया, तो ये 90 डिग्री हमारा ड्रॉ हो चुका है। 90 डिग्री ड्रॉ होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक आर्क लगाएंगे 1 इंच का, ये 1 इंच मैंने यहाँ से मेज़र कर लिया है, इस तरह से क्लियर हो गया, आपको दिख रहा होगा, अब यहाँ से 1 इंच हो गया है, 1 इंच होने के बाद मैं यहाँ से सेकेंड आर्क लगाऊंगा इसके ऊपर, ये मैंने सेकेंड आर्क लगा दिया है, ठीक है, ये सेकेंड आर्क लग गए हैं यहाँ से, ये सेकेंड आर्क जो हमारा लगा है इसको ज्वाइन कर लेंगे 0 से। अभी इसका मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अगर मैं आपसे पूछूँ ये वन और मैं आपसे बोलूँ पहले, अगर ये इसको रूट 2 आ गया, इसको नंबर लाइन पे लाने के लिए आप यहाँ से इसका मेज़रमेंट लीजिए, जहाँ पे इस लाइन में कट किया था इस तरह से,
ठीक है, यहाँ से एक सर्कल बना के नीचे लेके आइए। सर्कल नीचे लेके आएंगे तो आपको रेडियस जो थी हमने जो इसमें कंपास में ली है ये स्क्वायर रूट ऑफ द टू है, और नीचे लाने पे भी स्क्वायर रूट ऑफ टू हो गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट हमारा है वो किसका है, स्क्वायर रूट ऑफ टू। ठीक, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। तो कैसे वर्क करते हैं वो बताते हैं आपको। तो होता क्या चीज़ है, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है आपकी, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड विद स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर एंड अ बेस, यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग थ्योरम जानते हैं। तो वही यहाँ पे अप्लाई हो रही, मेन कॉन्सेप्ट उसका यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो हुआ क्या चीज़, स्क्वायर रूट ऑफ टू ये कैसे आया, मैं कैसे बोला स्क्वायर रूट ऑफ टू था, तो बेस कितना है बताइए यहाँ पे, पहले परपेंडिकुलर कितना, वन था, वन का स्क्वायर, बेस कितना है वन, वन का स्क्वायर कितना आ गया, टू आ गया। यहाँ आज के चल रहा है हाइपोटेन्यूस चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट टेक किया तो एच इज इक्वल टू कितनी वैल्यू हो गई, रूट टू आ गई। तो यानी हाइपोटेन्यूस कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ टू आ गया। तो यानी ये मेजरमेंट कितना आएगा, रूट टू आएगा। इस तरह से ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट था। इसलिए आते हैं मेन क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन है, उसमें ड्रॉ करना मुझे स्क्वायर रूट ऑफ द फाइव। तो स्क्वायर रूट ऑफ द फाइव देखिए कैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, ये मैं बता दिया है कि अप्लाई क्या होती है, यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई होती है। तो इसलिए सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर ली मैंने कुछ इंचेस की, ऐसे कहता हूँ मैं 3 इंचेस की यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ कि स्क्वायर रूट जो होता है फाइव का 3 से ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि 9 का ही 3 होता है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट इंच। इंच में ड्रॉ करेंगे थोड़ी फिगर बड़ी बनेगी, थोड़ी क्लियर आएगी, इसलिए इंचेस ज़्यादा बेटर रहता है इस क्वेश्चन में। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 3 और ये 2। ठीक, ये आपके हमारे मेजरमेंट हो गए। सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं, अब तक मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट क्वेश्चन में 1 से स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने बोला ना ये आपकी कैसे अप्लाई होती है, पाइथागोरस से अप्लाई होती है। तो ऐसा करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन आसान कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ द 5 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि आखिर 5 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, अगर वो आपने सोच लिया तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर, 5 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 4। तो 4+1 मैं इसको लिख सकता हूँ। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 4 किसका स्क्वायर है, 2 और 1 किसका स्क्वायर है, 1। तो यानी कि हमारे पास एक ये जो नंबर आया है और एक ये जो नंबर आया है, ठीक, इस नंबर से हमें ये क्लियर हो गया है कि अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 5 चाहिए तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 1 का स्क्वायर मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। तो इसलिए जो हमारे पास ये फर्स्ट नंबर आया है 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट में, तो ये हम बेस ले सकते हैं। बेस कितना टेक करेंगे, 2 टेक कर लेंगे, और हाइट कितनी टेक करेंगे, 1, इससे जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मुझे मिला है वो 4 था, लेकिन 4 नहीं लिखेंगे, स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस में हर एक चीज़ में स्क्वायर होता है। तो बेस मैंने कितना ले लिया, 2 स्क्वायर का मीन्स 2 लेंगे बेस, और फिर आंसर जल्दी आ जाएगा। तो बेस कितना लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो 2 वैल्यू, इसलिए हम लोग बेस 2 क्लेट करके तो 2 पे डालेंगे परपेंडिकुलर। तो मैं 2 पे डाल रहा हूँ परपेंडिकुलर, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन 1-1 लें, 90 डिग्री ऐसे बना सकते हैं या फिर आप ऐसे बना सकते हैं 60 या 120 डिग्री बना के। तो ये भी 90 डिग्री हो गया है, लास्ट क्लास में सीखा था आपने। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री, बेस 2 हो चुका है, सिर्फ हाइट कितनी लेनी है, 1 लेनी है, क्योंकि बेस का स्क्वायर 4+1 हो गया 5। तो बस हमें क्या करना है, 1 लेना है हाइट पे। तो इसके मेजरमेंट में स्केल से ना लेके यहाँ से ले लेता हूँ, ज़्यादा ठीक रहता है। ये 1 इंच मैंने यहाँ से नाप लिया, या स्केल से नाप लीजिए, बात एक ही है। तो अब यहाँ से मैं लगाता हूँ आर्क हाइट में 1 का, और मिला देते हैं 0 से, मिलाना 0 से है याद रखिएगा, 1 से नहीं मिलाना है, काफ़ी बच्चे 1 से मिला देते हैं। तो ये मैंने मिला दिया है 0 से, ये 1 ये 2, तो ये कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ द 5। ये हमारा था इजी मेथड, मीन्स पाइथागोरस लगानी थी तो मैं थोड़ी सी इसको ट्रिकी अच्छा कर दिया। तो ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ द 5 है, इसका मेजरमेंट लिया मैंने यहाँ से, दिख रहा है आपको, मैं यहाँ से ले रहा हूँ। तो ये यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे, ये सर्कल मैंने बना दिया। तो यहाँ पे कट करेगा, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 0 से यहाँ तक लेकर स्क्वायर रूट ऑफ दी 5। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको, इस तरह से पूछा लगाइएगा। ऐसे और एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, जैसे अगर आपको जो है ड्रॉ करना है कितना रूट 6 ड्रॉ करना है, तो आप क्या करेंगे, सोचेंगे इससे पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4, तो 4+2, अब 4+2 हो गया, जब 4+2 हो गया तो 4 तो मिल जाएगा, फिर 2 कैसे ड्रॉ करेंगे। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ।
रफली बताता हूँ, यानी कि बेस हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो बेस 2 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कितना ले लेंगे, बेस 2 ले लेंगे, बेस पे लगाएंगे परपेंडिकुलर, ये ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो लेंगे हाइट, हाइट के दे लेंगे 1 1, से पहले मिला देंगे, लेकिन मुझे लेना 2 2, हाइट डायरेक्टली ले सकते, मुझे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए होता है। तो 1 होने के बाद फिर यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर बनाएंगे, वो आर्क लगाएंगे 1 का, तो ये जो कट करेगा यहाँ से सर्कल बनाएंगे, फिर जाएंगे आंसर आएगा। तो इस तरह से स्क्वायर रूट होता है 6 का निकाला जा सकता है, ठीक है। या देखिएगा हमेशा जो हाइट में लगाते हैं परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो 2 बचा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1 1 1 ऐसे लेते जाएंगे, फिर हमारा आ जाएगा ये कितना हमारे पास था, ये 2 था तो ये 1 था, तो स्क्वायर रूट तो 5 है, 1 आया 5 है, तो ये 6 आ जाएगा। तो ऐसे ही मेथड से लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज।